तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं वो दोस्तों एलडी प्लेयर में हम लोग बीजे में रन करने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपको कोई भी तरीके से बैन या तो ब्रो लैग ऐसा कुछ नहीं देखने वाला, क्योंकि यार ये तो एक स्टेबल वर्जन हो चुका है अभी तो। फिलहाल तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और स्ट्रीमिंग भी कर रही हूँ डेली 4 घंटा, 4 घंटे से ऊपर तो मैं स्ट्रीम करता हूँ डेली। 2 स्ट्रीम 2 घंटे की करता हूँ। कल तो ब्रो 2 घंटे की स्ट्रीम हुआ है, आज भी करेगा स्ट्रीम 2 घंटा। हर दिन 2 घंटे का स्ट्रीम मैं करता हूँ। और साथ ही साथ डिस्कॉर्ड पे आके अगर आपको इसका मैं अभी जो इंस्टॉलेशन बोलने वाला हूँ उसमें आपको अगर समझ में नहीं आई तो ब्रो डिस्कॉर्ड में आ जा, मैं हर एक बंदे की इंस्टॉलेशन करवा दूँगा। ठीक है, तो अगर जो मैं आप फाइल प्रोवाइड कर रहे हो उसको आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन होना ब्रो, ताकि मैं जो भी नया वीडियो आ जाओ, या तो इसमें कुछ एरर आ गया, इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत होगी, सब कुछ टेलीग्राम चैनल में अप टू डेट करते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों एलडी प्लेयर 9 में वीजीएमई को चला देते हैं। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको आपके जो ब्राउज़र है उसको खोलना है, कोई सा भी हो, एलडी प्लेयर सर्च करना है, एलडी प्लेयर 9 सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जाना है डाउनलोड एलडी प्लेयर, और यहाँ पे आपको डाउनलोड एलडी प्लेयर 9। अगर आपकी जो आपके पीसी लो इंच है तो ब्रो आप लोग एलडी प्लेयर 5 में भी जा सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एलडी प्लेयर 9। 5 में जा सकते हो अगर लो इंच है तो, मैं तो एलडी प्लेयर 9 यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको आपको सिंपली सेव करना है इस वाले फाइल को, और इसको क्लोज करना है, होने देते हो, और शो इसको आपको इंस्टॉल कर देना है सिंपली। ठीक है, मैं तो यहाँ पे कर चुका हूँ इसलिए फिर से नहीं करने वाला। और इसके बाद आपको जाना है जो इंस्टॉल होगा उसके बाद एलडी प्लेयर में जाना है सिंपल से, और सेटिंग्स में जाना है। मैं बोलेगा कि भाई आप कस्टमाइज़ करके यही कर दो, आपकी जो मॉनिटर के हिसाब से कर लो। मेरा तो 4 कोर है प्रोसेसर, और रैम तो ब्रो 16 GB है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरे का पूरा 8 GB देने वाला हूँ। मॉडल पे तो आप लोग कस्टम मॉडल या तो S22 Ultra कॉमन मॉडल से सेलेक्ट कर लो। 120 FPS गेम सेटिंग्स तो 90 रख दो, यानी पे हाई फ्रेम रेट तो ऑन ही हो गया, 90 रखते हैं तो। और शॉर्टकट अदर सेटिंग्स, यहाँ पे सब लोग मिस्टेक कर लेता है, रूट परमिशन को इनेबल करना है दोस्तों, सुनो, रूट पर अदर सेटिंग्स में जाके रूट परमिशन इनेबल करना है, सेव सेटिंग्स करना है। तो मैंने जो फाइल आपको दिया है उसको ओपन करना है कुछ इस तरीके से होगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना सारा फाइल होगा। सो क्या करना है कि ब्रो इन तीनों APK को आपका जो इम्यूलेटर में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये 3 APK, एंड इसके बाद जो 2 फाइल आप देख रहे हैं लिप बैंड फाइल, उसको कॉपी करना है और जाना है डॉक्यूमेंट, एंड ये जो शुआनी 9 अजीब सा नाम होगा उस पर जाना है, एंड एप्लीकेशन में जाना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपको पेस्ट करना है, रिप्लेस मानेगा रिप्लेस भी कर देना है। एंड उसके बाद जो 3 APK आपने इंस्टॉल किया वो है रूट एक्सप्लोरर, सेट अचीवर, और उसके बाद फाइल फिक्सर, ये तीनों होगा आपकी। मैंने जो इंस्टॉल करने के लिए बोला था रूट एक्सप्लोरर को ऑन करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों प्ले स्टोर पर जाके साइन इन करना है एंड सर्च करना है डायरेक्ट BGMI, एंड इसको डाउनलोड करना है, रिसोर्स फाइल सब कुछ आपको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद डॉगिंग नहीं करना है, डायरेक्ट बैक आना है, और उसके बाद रूट एक्सप्लोर में जाना है, एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, ऐसे आपको स्टोरेज आएगा, जाना है एप्लीकेशन में, और जो 2 फाइल है उसको कॉपी करना है दोस्तों, एंड आपको यहाँ पे आना है, आपको तो डेटा ही होगा, नहीं आपका तो रूट होगा शायद, उसमें आने के बाद आपको डाटा पे जाना है, एंड यहाँ पे फिर से डाटा पे जाना है, एंड सबसे नीचे आना है com.pubgmobile, इसमें आपके टेस्ट करना है डू दिस फॉर ऑल एक्सिस्टिंग आइटम्स मर्ज, इसको होने देते हैं। ये आपको हमेशा करना है, जब भी आप लोग गेम को ओपन करते हो तब आपको ये करना पड़ेगा, और इसके बाद आपकी जो फाइल फिक्सर है उसको एक बार ओपन करना है, एंड यहाँ पे ऑन करना है, एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐसा शॉर्ट करते हो तो उसको अलाउ कर देना है,
तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको इसको ऑफ करना है एंड इसके बाद गेम को चालू करना है। इस बार तो पक्का ये तो गेम चलने वाला है, क्योंकि हमने जो सर्वर सेट एरिया है उसका तो बाईपास कर चुका है। अब तो आप लोग सिंपल गेम को खेल सकते हो। जो मैं की मैपिंग अभी यूज़ कर रहे हैं, कस्टम की मैपिंग है, मैं मेरा हिसाब से रखा है भाई। इसका तो की मैपिंग तो थोड़ा सा मुझे तो बुरा लगा, लेकिन मोमो से तो अच्छा की मैपिंग इसमें होता है, वो तो सच्ची है ब्रो। बाकी तो गेम में कोई बैन ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने न्यू आईडी बना लिया था, अब तो गोल्ड पहुंच चुका है 2-3 दिन के अंदर ही, एंड बहुत अच्छा है। तो इतना तो कोई वाला प्रॉब्लम जैसा तो नहीं लगा, देख सकते हो कि आराम से हमारा गेम जो है ऐप ओपन हो रही है, कोई भी क्रैश ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं फेक वीडियो बना रही ऐसा कुछ लग रही है, तो आप लोग मेरा लाइव चेकआउट कर सकते हो, मैं लाइव लाइव में आता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोग को लाइव ना मिस हो जाए। सो देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने गेम को ओपन किया है। मैंने प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, मैंने पूरा का पूरा इसी में खेला है, देख सकते हो 20 ये छोड़ो करियर में जाकर 25 मैच खेला है, उसमें कितने किल ले लिया आप लोग देख सकते हो। पूरा का पूरा मैंने पीसी में खेला है, बहुत अच्छा है ब्रो पीसी में खेलना, तो भाई मज़ा की बात है, देख सकते हो। मैंने जानबूझ कर पीसी बैन लगाया है, नाम क्या पता, अभी तक तो भाई कुछ भी बैन नहीं है। आई होप कि यार नेक्स्ट अपडेट में ये सॉल्व हो जाए, या तो नेक्स्ट अपडेट में हम लोग पबजी ग्लोबल में शिफ्ट हो जाए, पता नहीं है। चलो ब्रो, की मैपिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो लाइव आप लोग मिस मत होना, ज़रूर आना दोस्तों।